नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। कालका शहर के मुख्य बस अड्डे की कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। कालका बस अड्डे की बहुत दयनीय स्थिति है, जो मुख्य द्वार के लिए ही तरस रहा है। सफाई का तो नाम और निशान नहीं है। शहर के बस अड्डे में हरियाणा के कोने कोने से बस जाती हैं और पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान को भी बस जाती हैं। सफाई के लिए यहाँ दो कर्मचारी हैं, जो वो भी ठेकेदारी में ही हैं, जिन्हें पिछले 3 महीने तक की सैलरी भी नहीं दी गई। बस अड्डे में एक बात तो मिल जाएगी कि वहाँ जगह जगह पर युवक नशा करते मिलेंगे। बस अड्डे के पास पार्किंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पार्किंग में लोहे का गाटर गिराया हुआ है ताकि कोई पार्किंग ना कर सके। गाटर को बीचों बीच गिरा कर रास्ता रोक दिया गया है, जिसके कारण लोगों को बस अड्डे में पार्किंग करने पर असुविधा हो रही है। इसलिए अपने वाहनों को बस अड्डे के बाहर ही खड़ा करना पड़ता है। शाम 5 बजे के बाद तो कहीं के लिए बस मिलती ही नहीं, 5 बजे तक ही सेवा ख़त्म हो जाती है। कई बसें अड्डे के अंदर भी नहीं आती और बाहर से ही चली जाती हैं, जिसका सरकार को रेवेन्यू में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बस अड्डे में यात्रियों की सुरक्षा का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर 2 LCD लगे हैं, जो कि ख़राब है। बस अड्डे के अंदर CCTV कैमरा लगे हैं, वो भी ख़राब हैं। बस अड्डे को इतनी बुरी दशा से बना दिया गया है, जिसके बारे में अड्डा इंचार्ज से बात करने पर पता चला कि अड्डा इंचार्ज भी 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिलते हैं। हिमाचल से आने वाली बसें भी बस अड्डे के अंदर ना जाकर बाहर से ही सवारियां बैठाकर चली जाती हैं। जो सवारियां रह जाती हैं, उन्हें अपनी जान पर खेलकर बस के पीछे भागना पड़ता है।